दोस्तों, हम सभी ने इंटरनेट के युग में कभी न कभी एरिया 51 का नाम सुना ही है। साथ ही साथ बहुत सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल, यहाँ तक कि फैक्टेज जैसे बड़े यूट्यूब चैनल पर भी इसके बारे में वीडियोस देखे होंगे कि एरिया 51 में एलियंस आते हैं और अपना टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, या साइंटिस्ट उन एलियंस पर रिसर्च और स्टडी करते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं कि ऐसा सही है या यह भी एक टाइम ट्रेवल की तरह कॉन्स्पायरेसी थ्योरी ही है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, घंटी तो बजा दो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच। एरिया 51 को एरिया 51 के अलावे और भी बहुत सारे नामों जैसे ग्रूम लेक, होमी एयरपोर्ट, ड्रीम लैंड, पैराडाइज रैंच, द स्पेशल यूज एयरफोर्स से भी जाना जाता है। और बहुत बार इसके ऑफिशियल नाम में होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वियतनाम वार के बाद CIA ने इसका खास नाम दे दिया, जो एरिया 51 है। एरिया 51 नेवादा के अंदर एक टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग जोन है, जो लास वेगास से लगभग 82 माइल्स के डिस्टेंस पर है। यह एरिया US एयरफोर्स का 708 किलोमीटर स्क्वायर का रिस्ट्रिक्टेड एयरबेस है, जहां US एयरफोर्स अपनी न्यू टेक्नोलॉजी और सिस्टम को टेस्ट और ट्रेन करती है। और यहीं पर अमेरिका अपने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे प्लेन का निर्माण भी किया था, जो किसी रडार और इंफ्रारेड से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। वैसे तो ये सभी बातें अमेरिका छुपा रहा था, लेकिन जिस तरह इंडिया में RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसी तरह अमेरिका में FOIA यानी फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है। उसके जरिए जब एक अमेरिकन ने गवर्नमेंट से एरिया 51 के बारे में पूछा, तो 25 जून 2013 को CIA ने खुलासा किया कि एलियंस की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है और यहाँ सिर्फ हम अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करते हैं। फिर उन्हीं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले नए डिजाइन्स और नए मॉडल के जब प्लेन्स उड़ाए जाएंगे, तो लोगों को वे प्लेन काफ़ी अजीब लगेगा ना। जिसे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो लोग उसे UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ही समझेंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पर, जब USA ने अपने स्प्रीट बॉम्बर का टेस्टिंग किया, तो इसके यूनिक डिज़ाइन के कारण लोगों ने इसे UFO समझ लिया। और उसी तरह F-117 नाइट हॉक फाइटर जेट, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होने के कारण रडार में नहीं आया था और अपने अलग डिज़ाइन होने के कारण लोगों ने इसे भी UFO समझ लिया था। अपने इसी सब टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए US एयरफोर्स वहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी रखती है, जैसा कि हमारी कंट्री में DRDO जैसे टॉप नॉच सिक्योरिटी एजेंसी अपना टाइट सिक्योरिटी रखती है, ताकि कोई दूसरा कंट्री स्पाइंग स्टार्ट न कर दे। फिर जब 2013 में दुनिया को पता चला कि एरिया 51 US एयरफोर्स का बेस है, तो बहुत सारे कंट्रीज इसके ऊपर स्पाइंग करना स्टार्ट कर दी। यहाँ तक कि बहुत सारे कंट्रीज तो इस पर सैटेलाइट से नज़र रखना स्टार्ट कर दिया, ताकि वे अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चुरा सकें। टेक्नोलॉजी चोरी करने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चाइना, जिसने उसके बाद ही H-8 स्टेल्थ बॉम्बर बनाया, जो कि अमेरिका के B-2 स्प्रीट बॉम्बर का कॉपी है। और इन्हीं सब रीजंस के कारण अमेरिका एरिया 51 की बात लोगों से अभी तक छुपा रहा था। चलिए अब जानते हैं एलियंस और UFO से रिलेटेड न्यूज और वीडियोस पर। तो एरिया 51 में एलियंस और UFO की बात स्टार्ट हुई बॉब लजार नाम की आदमी के स्टेटमेंट से, जो उसने 1989 में दिया था। उस बयान में उसने दावा किया था कि वह एरिया 51 के सेक्टर 4 में काम करता था, जहां उसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के ऊपर स्टडी और मैकेनिज्म जानने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि यह स्पेसक्राफ्ट बिना फ्यूल के कैसे उड़ सकता है। साथ ही साथ उसने यह भी बताया था कि उस स्पेसक्राफ्ट में एंटी ग्रेविटी मटेरियल यूज़ किया गया था, जिसका एटॉमिक नंबर 115 था। पर आज हम सभी को पता है एटॉमिक नंबर 115 वाला एलिमेंट यानी मस्कोवियम के बारे में, कि उसका एंटी ग्रेविटी जैसा कोई नेचर नहीं है। साथ ही साथ इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कि कुछ ही नैनो सेकेंड्स में डिके हो जाता है। बहरहाल, चलिए अब वापस बॉब लजार पर चलते हैं। लजार के इस स्टेटमेंट के बाद स्टैंटम फ्रीडमैन, जो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट और प्रोफेशनल UFOlogist थे, ने जब उसका बैकग्राउंड चेक करवाया,
तो पता चला लज़ार के पास वैसा कुछ खास एजुकेशन और क्वालिफिकेशन भी नहीं है जिससे उसे एरिया 51 में जॉब दिया जा सके। लज़ार का यह दावा है कि उसने MIT और कैलटेक जैसे यूनिवर्सिटीज से मास्टर्स किया है, लेकिन चेक करने पर वह सभी झूठ निकले। यहाँ तक कि बॉब लज़ार को खुद ही मालूम नहीं था कि वह किस साल उसने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है, जो कि आप इस वीडियो में क्लियर देख सकते हैं। What was the year of your graduation from MIT and did you get a PhD? No, it's a master's degree. What was the year of graduation? Probably 82, because I think I left there. फिर बाद में बैकग्राउंड चेक करने पर यह जरूर पता चला लज़ार ने पियर्स जूनियर कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स भरी किया है, न कि मास्टर्स या ग्रेजुएट। कई वीडियोस में यह भी बताया गया है कि एरिया 51 के साइंटिस्ट लज़ार को पहचान गए थे, तो वे साइंटिस्ट एक्चुअली में एरिया 51 के नहीं थे, वे लॉस अलामोस नेशनल लेबोरेटरी के थे जो उन्होंने खुद भी कबूला था, जहाँ लज़ार सही में काम करते थे, वो भी एज ए टेक्नीशियन, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर। और यह लेबोरेटरी नेवादा से लगभग 1500 किलोमीटर दूर मैक्सिको में स्थित है। लज़ार के ऐसे स्टेटमेंट के बाद उसे वहां से भी फायर कर दिया गया, जिसके बाद वह अपनी वाइफ के साथ मिलकर प्रोस्टिट्यूशन का काम करना स्टार्ट कर दिए, जहां उसे पुलिस से पनिशमेंट मिलने के बाद उसने एक यूनाइटेड न्यूक्लियर साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड सप्लाईज के नाम से एक शॉप ओपन किया, जहां पर 2007 में उस पर ड्रग्स और इलीगल केमिकल्स बेचने के जुर्म में $7,500 का फाइन देना पड़ा था। तो अब तो पता चल गया ना बॉब लज़ार कितना बड़ा फ्रॉड था। अभी भी इसके बाद या किसी वीडियो में इसके स्टेटमेंट को पढ़ा चढ़ा कर बताए जाने पर आप बिलीव करेंगे? बॉब लज़ार के बाद एक और नाम आता है बॉयड बोसमैन का, जो एरिया 51 के रिटायर्ड साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी झूठा स्टेटमेंट दिया और ढेर सारा इमेजेस भी शेयर किया। सबसे पहले यह इमेज, जो बुशमैन के अकॉर्डिंग यह एरिया 51 के किसी एलियन की है, लेकिन फोटोग्राफर शायद यह भूल गया था कि अभी इंटरनेट का टाइम है और बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी अवेलेबल हैं। फिर जैसे ही उसने यह पिक अपलोड किया तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही ढेर सारे डॉल्स के साथ पिक अपलोड करना स्टार्ट कर दिए, जो वे पहले से ही वॉलमार्ट से खरीद कर यूज़ कर रहे थे। ऐसे और भी पिक्स हैं जिससे आप गूगल पर बस 2 मिनट के सर्च पर उसके रियल इमेजेस को देख सकते हैं, जो कि बुशमैन के पिक में इंटेंशनली ब्लर किया गया है। साथ ही साथ वीडियोस के अकॉर्डिंग बुशमैन का यह दावा था कि एलियन अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ अपना टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं और टेलीपैथी से बात भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, जब एलियंस अपना टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं तो अमेरिका बाकी की दुनिया से हजारों साल आगे क्यों नहीं है? अमेरिका को मार्स पर ही अपना पहला मिशन पूरा करने में अरबों डॉलर्स लगा था, वहीं हमारा प्यारा भारत उसके आधे से भी कम कॉस्ट में अपना सक्सेसफुल मिशन कर दिखाया। तो क्या अब आपको अभी भी लगता है कि एरिया 51 में एलियंस आते हैं? आई होप अब आप अच्छी तरह से सारे फसाद की जड़ को जान गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चित ही वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो ना भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा।